बरेली के फरीदपुर के बागरगंज में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। करीब 10 दिन से आई बाढ़ ने सैकड़ों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया। बाढ़ की वजह से शादियां या तो टल गई हैं या फिर टूट गई हैं। कई लोगों ने फसल के भरोसे बेटियों की शादी रखी हुई थी, लेकिन फसल बर्बाद होने से मुश्किल हालात हो गए हैं। स्कूल, घर, अस्पताल, हर जगह पानी ही पानी, आप देख सकते हैं। फरीदपुर तहसील का बाकरगंज गांव है और इस गांव का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके का है। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। ये एक घर है जहां पर हम आए हुए हैं, अंदर बहुत बुरी स्थिति है, वहां जा भी नहीं सकते। किसी तरीके से ट्रैक्टर का सहारा लेके इस घर में पहुंचे हैं और घर में देखिए पानी भरा हुआ है। इस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से जो फसल थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। किसान को उम्मीद होती है कि उसकी जब अच्छी फसल होगी उससे जो पैसा मिलेगा उसके बाद वो अपने घर परिवार को चलाएगा, अपने बच्चों की शादी करेगा। तो कुछ किसान लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, कितनी फसल थी आपकी, चौपट हो गई, क्या नाम है? हमारा नाम साहब हरिश्चंद है और मैं बागरंग में रहता हूँ। और मेरी फसल साहब पिछले साल भी 70-80 बीघा धान चले गए। आपकी भी मेरी 70-80 बीघा मेरा धान इतना बड़ा जोर का धान था और मैंने पैसा लोन KCC करा के मैंने पैसा खेती में लगाया और वो धान मेरे चले गए। मैं एक लड़की, मेरी बारात इसी साल मैंने बात की थी शादी के संबंध के बारे में, तो इसी साल मैंने टाल दिया कि नुकसान हो गया। अब मैं इस साल शादी करने को बैठा था और मेरे इस साल भी फसल चली गई। बिटिया शादी करने को नाथ तूने भी इस समय, अब खान को भी परेशान है साहब, ऑपरेशन कराओ। तो मैंने अभी मेरी उम्र है 70 साल के, काम हो रहा नहीं रहा और पैसा मुझे मिलना रहा साहब को, और शादी करें का है साहब, पैसे नहीं। ये स्थिति है, ये गांव वालों का दर्द आपने सुना। इस गांव में इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, कोई अधिकारी यहां पर उनकी सुध लेने नहीं आया है। इन ग्रामीणों के तमाम जो बच्चियां जवान हो गई, उनकी शादियाँ तय हो गई थी, लेकिन फसलें चौपट हो गई, घरों तक में पानी घुस गया, जिस वजह से इनके अरमानों पर पानी फिर गया है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।